क्या आपके पास कोई भी ओल्ड आईफोन 4, 4S और 5 और 5C है जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि दिस एप्लीकेशन रिक्वेस्ट iOS 12.0 आवर लेटर। तो ये आपका जो आईफोन है वो आईफोन 12 के ऊपर अपडेट होना चाहिए। अगर ये अपडेट नहीं है तो आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे अपने आईफोन जो ओल्ड आईफोन में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको अपने आईफोन में ले चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल के अंदर अबाउट में जो हमारा जो आईफोन है लास्ट अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.3.4, ये जो ओल्ड वर्जन है काफ़ी। और अभी आप कैसे अपने इस आईफोन में ऐप इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले आपको एक अदर आईफोन लेना है जो नए iOS पे अपडेट है। मेरे पास आईफोन X है, आप देख सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स में जाके मैं आपको अबाउट में यहाँ पे दिखा देता हूँ जो इसका लास्ट अपडेट है, वो आप देख सकते हैं 14.4.2। और अभी जो नया iOS है वो 14.6 और 15 iOS से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो आईफोन X की जो एप्पल ID है वो आपको आईफोन 5C में लॉगिन करना है। तो इसमें मैं दोनों में अलग अलग एप्पल ID है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने आईफोन 5C में जो एप्पल ID है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँगा। और जो एप्पल ID आपके आईफोन X में है वो इसमें लॉगिन करना है। तो मैं वो यहाँ पे ID है वो मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एप्पल ID वो लिख ली और इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे जैसे ये साइन इन हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ पे आपके जो आईफोन X है उसमें एक OTP जाएगा। तो ये जो OTP आपको इसमें वेरीफाई के लिए ऐड कर देना है यहाँ पे, तो मैं ये OTP यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जिससे जो हमारी है एप्पल ID जो आईफोन X की है इसमें लॉगिन हो जाएगी। जैसे ये लॉगिन हो जाती है यहाँ पे ये जो आईफोन X की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ID है वो लॉगिन हो चुकी है। तो सबसे पहले आप अपने आईफोन X में किसी भी एक ऐप को, जैसे अगर आपके इस फ़ोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको इंस्टाग्राम को एक बार यहाँ से आईफोन X में डिलीट कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास ओल्ड आईफोन है उसमें आप ऐप स्टोर को ओपन करें और उस ऐप को जैसे हमने इंस्टाग्राम को डिलीट किया था वहाँ से, तो सबसे पहले आपको एक बार इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है डू यू वांट टू डाउनलोड द लास्ट कंफर्टेबल वर्जन। तो यहाँ पे आप इस पे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इंस्टाग्राम है वो यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया है। कुछ ही देर पहले आपने जो देखा था वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। ऐसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे YouTube को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं YouTube सर्च कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं YouTube पे भी क्लिक करूँगा तो हम YouTube को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब ये पहले हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि ये जो नए iOS अपडेट पे आपको शो करने के लिए बोल रहा था, बट यहाँ पे अब आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसे अपने ओल्ड आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने इंस्टाग्राम और अभी जैसे यूट्यूब को इंस्टॉल किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने ओल्ड आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।